उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में बाइक और ऑटो की भीषण भिड़ंत में आधा दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके से निकल रही सीओ सदर ने रुककर सभी घायलों को उपचार के लिए डेल 112 की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दो की हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित किडारी रेलवे क्रॉसिंग के पास का है, जहां महोबा से सवारियां भरकर कबरी जा रही थी। ऑटो की तेज रफ्तार बाइक से भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। मौके से निकल रही सीओ सदर कालो सिंह ने रुककर डायल 112 की गाड़ियों से सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दो की हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस ने ऑटो और बाइक को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। डॉक्टर यतीन्द्र परवार जिला अस्पताल महोबा ने बताया, जिला अस्पताल में एक्सीडेंट का मामला आया हुआ है, जिसमें दो लोगों की हालत नाजुक होने पर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया है। वहीं विजय कुमार सिंह इंस्पेक्टर कोतवाली महोबा ने बताया, क्षेत्र अधिकारी महोदय जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने एक्सीडेंट देखा, रुककर फोन कर जानकारी दी। सूचना पर मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीद अहमद, महोबा, यूपी। एक्सीडेंट का मामला है सर, क्या है पूरा मामला? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल महोबा में 5 केस आए हैं एक्सीडेंटल, जिसमें से दो की हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है, जिसमें से प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हुए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल महोबा से दो पेशेंट को झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।